तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग कुछ नए व्हाट्सएप के चैट्स देखने वाले हैं जो बहुत ही क्रीपी या बहुत ही हॉरर टाइप के हैं। तुम लोग मुझे कब से कह रहे थे कि मैं कुछ हॉरर ट्राई करूं, और वैसे भी मेरा ये जो एक साल पुराना वीडियो है जिसमें मैंने ये हॉरर की एक गेम ट्राई करी थी रात को 12 बजे, वो अभी मेरा बहुत ज़्यादा चल रहा था। उसके बाद में तुम लोग मुझसे एकदम डिमांड लगा दिए कि यार आप हॉरर और देखो। तो भाई हॉरर सच में मैं इसलिए नहीं खेलता क्योंकि थोड़ी फटती है यार, लेकिन ठीक है यार, अब ट्राई करेंगे, ऐसे कब तक पीछे रहेंगे। तो चलो आज हम लोग ये व्हाट्सएप के चैट देखेंगे। ओके, तो ये चैट प्रिया के साथ हो रही है। पहले प्रिया ने ही लिखा हाय, तो सामने से आया हाय। या लिखा अंजलि यार, बड़े दिनों बाद याद आई मैं। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि हमारी मेन हीरोइन का नाम अंजलि है। ओके, तो यहाँ पे लिखा अरे यार पूछ मत, बहुत बिजी थी, तुझे तो पता ही है, न्यू हाउस। ओके, तो अंजलि ने नया घर लिया है, ठीक है। अरे यार शिफ्टिंग डन। हाँ यार फाइनली सब काम पूरा हो गया, अब 2 डे ऑफिस ऑफ लिया है, फुल रेस्ट। अरे यार सच में यार शिफ्टिंग से बहुत हालत खराब होती है, तो अभी उसने 2 दिन की ऑफिस ऑफ ले ली है, तो अभी रेस्ट करेगी, ठीक है। अभी तक तो ठीक ही साउंड कर रहा है। यस यार वो तो है। वैसे कैसा है न्यू हाउस एक्सपीरियंस? अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है यार, बस आसपास ज्यादा लोग नहीं है। ओके, बस एक ओल्ड आंटी अंकल रहते हैं पड़ोस के घर में। ओके, ज्यादा लोग है नहीं। और आंटी और अंकल जैसे ये चीज सुनने का आता ना, तो भाई मेरे दिमाग में कुछ अलग ही सीन बनने लग जाता है। एक बूढ़ी सी आंटी, डरावनी सी, छोड़ो अभी देखते हैं स्टोरी में आगे क्या है। तो प्रिया बोलती है ओ अच्छा क्या कर रही हो? तो बोलते अभी तो मैं टीवी देख रही हूँ यार, टीवी से ही टाइम पास कर रही हूँ। यार तू अकेली कैसे रहती है इतने बड़े घर में? ओके, इसका मतलब अंजलि बड़े घर में रह रही है अकेली। ओके चलो ये भी हमें एक पता चल गया है, ठीक है, बस आदत सी हो गई है। चल फिर रात हो गई। अच्छा बोलते सुन बाय, बोला बोल। नहीं बस चल बाय। हैं ये बात क्यों काट रही है इस तरीके से? अब यहाँ पे गाइस क्लाइमेक्स चालू हो गया लगता है। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे एक्साइटमेंट में हंसी आती है, इसलिए तो मैं हॉरर इतना देखता नहीं हूँ। क्या हुआ? कुछ बता रही है ना यार? सैड इमोजी। क्या हो गया? बाकी सब तो ठीक है, बस एक चीज अजीब है कि इस घर में क्या, मैं 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि नीचे बेसमेंट। बेसमेंट क्या? आगे तो बोल, सब ठीक है ना? यार बेसमेंट से आवाज आती है कुछ अजीब सी। वेट व्हाट, कैसी आवाज? तूने चेक किया? नहीं मैंने अभी तक बेसमेंट नहीं देखा। भाई तूने घर ले लिया है यार, तूने बेसमेंट नहीं देखा? राजस्थान में एक हवेली है हमारी, वहाँ का बेसमेंट सच में बहुत डरावना लगता है। बेसमेंट तो सबसे पहले चेक करना चाहिए, वहाँ तो जाने से भी डर लगता है। इसने क्या लिखा है फिर आगे? हाउस ओनर ने कहा बेसमेंट की नहीं मिली, तो अभी दी नहीं है। ओ माय गॉड, है तू पागल वागल है? कसम से मेरा लाइन है ये, तूने घर खरीद लिया तो फिर बेसमेंट की कब लेगी? यार वो पुराना ओनर बोल रहा है कुछ दिनों बाद देगा आकर। अब यार जब की नहीं मिल रही तो ज्यादा हम लोग बोल भी क्या सकते हैं, अगर घर पसंद आ गया तो ठीक है। तो बोलती है यार तूने चेक किया कि नहीं किया? वो फिर से पूछ रही है। हाँ यार कुछ अजीब सी आवाज आती है, ठक ठक ठक। चल बाय, मैं सोती हूँ, अब रात बहुत हो गई। अचानक बात काट दी, चल बाय टेक केयर, ऐसे तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। फिर आज में मैसेज आया प्रिया प्रिया। हाँ क्या हो गया यार? ओ रात को 12 बजे गाइस, 12 बजे मैसेज आया है, आधी रात को मैसेज। सब ठीक तो है? प्रिया बेसमेंट से आवाज आ रही है। डबल क्लाइमेक्स चालू हो गया है। व्हाट, तू कहाँ है? मैं बेडरूम में हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पर। ओके, डर लग रहा है यार। तो डर तो लगेगा ही, मुझे खुद को डर लग रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है। तो फिर लिखे हेलो तू ठीक तो है ना? मुझे चिंता हो रही है, बेसमेंट के डोर को ठोकने की आवाज आ रही है, घर की लाइट्स भी ऑफ है। रात के 12 बजे, तुम एक बहुत बड़े घर में हो और पूरी लाइट्स भी ऑफ है, सुनसान एरिया है, और बगल में एक बूढ़ी आंटी रहती है जिसके सफेद बाल होंगे, मतलब मैं तो क्या इमेजिन कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगी। ओके देखते हैं। ओ नो, तू रूम लॉक कर अपना जल्दी। हाँ कर लिया, बस शांत बैठ चुपचाप। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। वेट, तू अपने पड़ोस वाले अंकल आंटी को कॉल करना यार, वो आज ही कहीं गए हैं, डोर लॉक है उनके घर का। ओ मेरा जिन पे शक जा रहा था वो नहीं है, इसका मतलब स्टोरी कुछ अलग होने वाली है। घर के दरवाजे का फोटो भी है, अंकल आंटी का दरवाजा है ये। यार ओ नो क्या हुआ, ये फिर से ओ नो क्यों लिखी है? तू ठीक तो है? कोई बाहर है लिविंग रूम में, आवाज आ रही है। हैं
पेट तू शांत रहा और कहीं छुप जा, मुझे लगता है तेरे बेसमेंट में कोई छुप कर रह रहा है। एग्जैक्टली, इसका मतलब हाउस ओनर से कुछ लफड़ा है क्या? मैं पता नहीं, यस मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कोई मेरे रूम का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। प्रिया तू शांत होकर कहीं छुप जा जल्दी, मैं बेड के नीचे हूँ। ओ नो, उसने दरवाजा तोड़ दिया। ओके दिस इज गेटिंग सीरियस नाउ। चुपचाप बैठ जा यार, मुझे डर लग रहा है वो कोई लेडी है पर देख रही है उसके। ये क्या है, मतलब लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा जल्दबाजी में। क्या हुआ, मैसेज करती रहा, मुझे टेंशन हो रही है, लगता है वो चली गई, कोई बूढ़ी सी औरत थी। गाइस जो मैं सोच रहा था वो सही है क्या, तुम लोगों को क्या लग रहा है अभी भी? लड़का व्हाट, तू जल्दी भाग घर के बाहर। पर अगर वो अभी बाहर हुई तो? एग्जैक्टली यार, बाहर जाएगी तो फंसेगी और क्या। हाँ तू सही कह रही है प्रिया। प्रिया बेसमेंट के लॉक होने की आवाज़ आई है। अच्छा बेसमेंट का दरवाज़ा वापस बंद हो गया, लॉक हो गया कि मैं चेक करती हूँ। ये बाहर जा रही है चेक करने के लिए, मतलब देखो ध्यान से, अपने पास कुछ रख ले सेफ्टी के लिए। हाँ मेरे पास डंडा है, कोई नहीं है अगल बगल में। ओ थैंक गॉड यार, कुछ गड़बड़ है, कल ही पुराने ओनर को बुलाकर ये घर वापस कर दे। एग्जैक्टली, इतने बड़े घर में रहना ही क्यों, एक छोटा सा रूम ले लो यार, तुम अकेली रह रही हो यार। हाँ ओ नो, अब क्या हो गया, बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है और ये बेसमेंट का फोटो भाई बड़ा ही क्रीपी से ऐसा लग रहा है नीचे से पेनीवाइज निकल के आएगा। भाग जल्दी। एग्जैक्टली भाग यार। वेट मैं देखती हूँ अंदर जाकर। ये टिपिकल हॉरर फिल्म की तरह लड़की अंदर क्यों जाना चाहती है बेसमेंट में, मतलब इतनी चुल मची हुई है इस लड़की को, ये पागल हो गई है क्या? भाग वहां से। ओह माय गॉड ये तो बहुत बड़ा है भाई बेसमेंट, बहुत। ओ इसने फोटो भी डाली है बेसमेंट की। ओके ये तो मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है बेसमेंट का फोटो तो। यार मुझे डर लग रहा है, तू बाहर निकल यहां से, कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्टली मुझे भी डर लग रहा है यार, यहां पे एक और डोर है और वो बेसमेंट में जा रहा है। अरे भाई ओ भाई ये फोटो देखो बेसमेंट का, ये एक रियल डरावना खतरनाक बेसमेंट का फोटो है जो हम लोग ग्रैनी रैनी में देखते हैं। मैं चेक करती हूँ, ओनर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ओ नो प्रिया, यहाँ वो ओल्ड लेडी है, ये बहुत डरावनी है, जल्दी बाहर आ। अंजलि वो मेरी तरफ आ रही है, वेट चाकू। अंजलि ओ नो गाइस, ये तो सच में बहुत क्रीपी था। तुम लोगों को क्या लगता है अंजलि के साथ क्या हुआ होगा? ऐसी एक हॉरर गेम मैंने एक अकेले घर में खेली थी, वो गेम थी, वो तुम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो, वीडियो तुम लोग को दिख रही है। हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में। अगर तुम लोग नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी बताना। तो चलो हम लोग मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।